भगवान को मानने के लिए हिंदू होना जरूरी नहीं है, उनको मानने के लिए दिल अच्छा होना चाहिए, एक अच्छा इंसान होना चाहिए और दिल में जज्बा होना चाहिए बस। जय श्री राम। कंधे पर केसरिया ध्वज, पीठ पर राम मंदिर की तस्वीर और जय श्री राम का नारा लिखे हुए बैनर के साथ पैदल यात्रा पर निकली शबनम शेख की इन दिनों खूब चर्चा हो रही है। दरअसल शबनम मुंबई से अपने दो दोस्तों के साथ पैदल अयोध्या के लिए निकली हैं। शबनम का एक ही उद्देश्य है, रामलला के दर्शन करना। शबनम खुद को सनातनी मुस्लिम बताती हैं। शबनम शेख की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार की तरफ से 3 पुलिसकर्मी शबनम की सुरक्षा में तैनात किए गए हैं। आज हमें 6 दिन हो गया है, 6 दिन से हम सफर कर रहे हैं और सुबह सुबह हमने यात्रा आरंभ किया है प्रभु श्री राम जी का नाम लेकर। और हमने यही सोचा है कि भाई हम कभी भी पहुँचे, हमने ये नहीं सोचा है कि हम 22 जनवरी को पहुँचेंगे उद्घाटन के दिन, हम कभी भी पहुँचेंगे, हम दर्शन लेकर ही रहेंगे, हमारे दिल में यही इच्छा है। देखिए, राम जी को मानने के लिए हिंदू होना ही जरूरी नहीं है, अगर राम जी को कोई भी मानता है, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, वो जा सकता है, जरूरी नहीं है कि हिंदू ही राम जी को माने। और राम जी तो सबके भगवान है, जरूरी नहीं है कि मैं मुसलमान हूँ तो मैं राम जी को नहीं मानूंगी, मैं मानती हूँ और राम जी के लिए मैं जा रही हूँ। और मुझे प्रेरणा ऐसे आई कि इंस्टाग्राम पे आए इन दिनों सोशल मीडिया पे मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे और खास करके लड़कों के, वो बहुत पैदल यात्रा करते हुए हर बहुत सारी जगह जा रहे हैं, तो मैंने लड़कियों का एक भी वीडियो नहीं देखा, तो मैंने सोचा यार लड़के कर सकते हैं तो हम महिलाएं क्यों नहीं कर सकती है, हम तो देवी लक्ष्मी के रूप है, जैसे सनातन धर्म में बोला गया है कि महिलाएं देवी लक्ष्मी के रूप होती है, तो हम क्यों नहीं ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, हमें तो नारी शक्ति कहा गया है, तो मैं एक नारी शक्ति हूँ और मैं वही बता रही हूँ लोगों को कि भाई लड़के ही नहीं, महिलाएं भी ये कार्य कर सकती है, पैदल चल सकती है। मुझे बहुत लोगों ने ये बोला कि अरे लड़की है आप, लड़की हो और इतना दूर जा रहे हो, अरे लड़की नहीं, मैं नारी शक्ति हूँ, मैं देवी हूँ, मैं लक्ष्मी हूँ, मैं काली माता हूँ, उनका रूप हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। राम भगवान को मानने के लिए हिंदू होना ज़रूरी नहीं है, उनको मानने के लिए दिल अच्छा होना चाहिए, एक अच्छा इंसान होना चाहिए और दिल में जज्बा होना चाहिए बस। शबनम अब तक 100 किलोमीटर से ज्यादा का सफर भी तय कर चुकी हैं। लोगों तक शबनम ये संदेश पहुंचाना चाहती हैं कि यह यात्रा कोई पब्लिसिटी स्टंट नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा है। साथ ही उन्हें खुशी है कि वो इस ऐतिहासिक क्षण की साक्षी बनने जा रही हैं।